हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स अल्ट्रा। तो जहाँ तक बात की जाए तो मार्केट में इस वक्त महिंद्रा XUV 700 का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बना हुआ है। लोग इस गाड़ी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि महिंद्रा इस गाड़ी को कब लॉन्च करेगी। पर देखा जा सकता है कि इतने दिनों से इस गाड़ी की भरपूर टेस्टिंग की जा रही है महिंद्रा द्वारा, पर अभी तक ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है। आने वाले कुछ महीनों में महिंद्रा इस गाड़ी को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। अभी हाल ही में इस गाड़ी के कुछ फ़ोटोज़ लीक हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इन फ़ोटोज़ में गाड़ी कितनी मस्कुलर लग रही है। लुक्स बहुत शानदार आ रहे हैं इस गाड़ी के। महिंद्रा ने इस गाड़ी को टोटली चेंज कर दिया है, इसकी एक नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है। और इसकी बात की जाए लॉन्चिंग की, तो इसकी लॉन्चिंग एक्सपेक्टेड है 2 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग शायद हो सकती है, जैसे महिंद्रा थार को लॉन्च करा था 15 अगस्त को। तो ऐसे ही गांधी जयंती के दिन हो सकता है गाड़ी लॉन्च हो जाए। आप इस गाड़ी का फ्रंट लुक तो देख चुके होंगे और यह इस गाड़ी का रियर लुक, तो देख सकते हैं कितना लग्जरी फील आ रहा है इस गाड़ी को देखने से, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर बात की जाए इसमें मिलने वाले फीचर्स की, तो इसमें एक फीचर्स आ जाता है इसके स्मार्ट डोर हैंडल्स। वैसे हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में, जो कि इस गाड़ी को लग्जरी बनाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर बात की जाए इसमें मिलने वाले इंजन की, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें इस बार इंजन भी दूसरा मिलेगा। इंजन इसमें दोनों ही आपको मिल जाएंगे, पेट्रोल और डीजल के, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ।